थाना एक्सप्रेसवे पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 1 अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 2 तमंचे, 315 बोर मैं 3 जिंदा व 2 खोखा कारतूस, 315 बोर व 1 स्विफ्ट कार बिना नंबर के बरामद की गई है। उक्त घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं ADCP रणविजय सिंह। थाना एक्सप्रेस वे पुलिस मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, SCP 3 और ISO एक्सप्रेस वे को एक सूचना मिली थी पहले कि इनके क्षेत्र में एक बहुत ही शातिर गैंग मूव कर रहा है, जो पहले लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है और वो गाड़ियों में सवारी बैठाकर उनके साथ भी लूटपाट करता है। इस गैंग का पूरा जो एरिया है वो पूरा NCR है, यहाँ से लेकर के और उधर उत्तराखंड तक के भी जनपदों में ये वारदात करते हैं। इस गैंग पे हमारी टीम लगी और हम लोगों ने इधर इनके मूवमेंट की सूचना थी, उस पर हम लोगों ने आज अपनी टीम लगाई और आज हम यहाँ पुस्ता पे खड़े हैं। यहाँ पे एक स्विफ्ट डिजायर कार बिना नंबर प्लेट की आती हुई दिखाई, जिसके हमारी टीम ने रोकने का प्रयास किया। चलो रुके नहीं, यहाँ इसमें से एक व्यक्ति फायर करता हुआ उसमें से निकल के भागने का प्रयास किया, हमारी टीम ने रिटेलिएट किया जिसमें वो घायल हुआ। बाकी जो 4 लोग थे यहाँ से फरार हो गए, एक को तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन बाकी को कुछ दूर के बाद गिरफ्तार किया गया। ये बेसिकली 5 लोग हैं और ये गैंग बनाकर कार में बैठ करके लूटपाट करते हैं। इनके पुराना इतिहास भी है, पहले भी इन लोगों ने लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया था। पहले इन लोगों ने एक हमारे यहाँ दनकौर क्षेत्र में एक किसान से 1 लाख की लूट की घटना की थी, जिसमें ये जेल गए थे। एक ऑटो वाले से भी लूटपाट की थी B2 में। और इस प्रकार आज ये प्लान करके खटीमा उत्तराखंड में जाकर किसी एक किसान से ही 5 लाख रुपया लूटने का प्लान कर रहे थे, ये भी जानकारी मिली। जब हम लोगों ने इस एक जो घायल हुआ उससे पूछताछ की, उसका नाम दीपक था और बाकी जो उसकी टीम के अन्य मेंबर्स हैं ये सभी हरदुआगंज अलीगढ़ के रहने वाले हैं और ये पूरा गैंग बना करके ये लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं और उसके बाद कभी जब भी मौका मिलता है सवारी बना बैठा कर उसे भी लूटपाट करते हैं। हम लोग बाकी इनके बारे में पता कर रहे हैं, इनका जो और गैंग मेंबर्स हैं उसके बारे में पता कर रहे हैं और मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और अग्रिम इस गैंग पे अच्छे तरीके से कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।